हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट की क्लास में, और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल भाविशा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, जो कि अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था आपको, दैट ये काफ़ी लोगों ने होमवर्क किया है, मेरे को सेंड भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का होमवर्क मेरे पास में नहीं आया है। देखिएगा क्या क्या, वो तो होमवर्क एक बार मैच करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं फटाफट वापस से पढ़ लेता हूँ। मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग ₹900 ईस्ट टू मिस गीता। राखी ने कितने रेडियो भेजे गीता को? 1000 रेडियो सेट भेजे, कितने पे? ₹900 ईच पे। हर एजेंट ऑन 1st जुलाई, ठीक है साहब। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट, यानी जो कंसाइनर है उसने क्या क्या खर्चे किए हैं। फ्रिज का खर्चा किया, इंश्योरेंस का खर्चा किया है। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट, मतलब 1000 भेजे थे लेकिन 950 ही मिले, यानी 50 या तो इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट में या तो लॉस हो चुका है या इन ट्रांजिट स्टॉक है, तो हम क्या मानेंगे इसको? लॉस मानेंगे। एन अकाउंट सेल डेटेड इतना शोड दैट द 750 सेट वॉज सोल्ड, यानी आउट ऑफ 950 गीता ने क्या किया है, गीता ने 750 सेट सेल आउट कर दिए हैं, और कितने में सेल आउट कर दिए हैं, दैट इज़ फॉर द 9 लाख रुपीज़ में सेल आउट कर दिए हैं। एंड मिस गीता इनकर्ड 10,500 फॉर द कैरिजेज, यानी एक तरह से मिस गीता ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, कितने रुपए का? 10,500 का। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हर। शी इनकर्ड एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज। ओके फाइन, मिस गीता ने भी ये खर्चा किया है, डैमेज हो गए थे रेडियो तो उनको ठीक ठाक करने के लिए खर्चा किया है बेटा। तो ये भी आपका, मुझे एक चीज़ बताइए, ये आपका प्लेस ऑफ सेल, यानी प्लेस ऑफ गोडाउन से प्लेस ऑफ गोडाउन तक पहुँचने से पहले का खर्चा है या बाद का खर्चा है? ये बाद का खर्चा है, तो इस खर्चे को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। मिस राखी लॉज ए क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि मिस राखी ने क्या किया है, इंश्योरेंस क्लेम। मिस राखी ने क्या किया बेटा? इंश्योरेंस क्लेम किया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट कर दिया उनका क्लेम? 35,000 का। ये 35,000 कौन सा? ये जो 50 रेडियो सेट जो है ना आपके, 50 रेडियो सेट इन ट्रांजिट आपका लॉस हो गया था उसका। चलिएगा फटाफट इसका एक काम करते हैं, उसके बाद में से वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। तो टोटल कितने थे आपके पास में, अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो टोटल कितने सेट रेडियो सेट भेजे थे हमने? 1000 रेडियो सेट हमने भेजे थे दोस्त, और 1000 रेडियो सेट पे कुछ, अच्छा साहब ने भी कुछ खर्चे किए क्या? कौन से साहब ने? अरे या तो मेम साहब है, हाँ जी, कौन सी मेम साहब ने, यानी राखी ने कुछ खर्चे किए क्या? हाँ जी, कंसाइनेंट ने भी कुछ खर्चे किए थे, दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अच्छा अच्छा, तो ये इनका ये टोटल कॉस्टिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें से हमने क्या लेस कर दिया? लेस नॉर्मल लॉ एबनॉर्मल लॉस, यानी आपका लॉस इन ट्रांजिट का ये 50-50 का प्रोपोर्शनलिटी कैसे करेंगे आप यहाँ पे, दैट इज़ ये कैसे आ जाएगा? तो ये आपका सिंपल सा बात है साहब, कैसे आ जाएगा? 9,10,900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, इट कम्स, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 45,545, समझ में आ गया? तो ये इतना गुड्स आपका रिसीव हुआ होगा, इतना कुछ डेफिनेटली आपका रिसीव हुआ होगा। कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए क्या? इन डायरेक्ट खर्चे, यस, कंसाइनी ने भी डायरेक्ट खर्चे किए हैं क्या? 10,500 जो कैरिज के लिए इसने पे किया, और ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। क्या कुछ नॉर्मल लॉस है क्या? नहीं है साहब, नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, तो यही इसका वैल्यूएशन है। अच्छा, कितना उसने सेल आउट कर दिया था? उसने सेल आउट कर दिया था 950 रेडियो सेट्स में से, उसने कितना सेल आउट कर दिया था? 750 सेल आउट कर दिया था, तो पीछे बचा कितना था उसके पास में? इसमें से अगर मैं कहता हूँ कितना लेस कर देता हूँ, -750 में लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास में बचा कितना होगा? 200 स्टॉक बचा होगा, कंसाइनी के पास में 200 स्टॉक बचा होगा। और इस 200 स्टॉक की कॉस्टिंग क्या रही होगी, दैट इज़ वो 200 की स्टॉक की कॉस्टिंग कैसे आई होगी, ये यहाँ पे कैसे आई होगी आप बताओ मेरे को? हाँ जी, कैसे आई होगी? तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ, दैट इज़ कंसाइनी के पास में जो भी गुड्स पहुँचे और कंसाइनी ने उस पर जो खर्चा किया, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो 8,75,855 डिवाइडेड बाय, ये कितने की कॉस्ट है? ये 950 की कॉस्ट है। कितने की कॉस्ट है? 950 की कॉस्ट है। मल्टीप्लाइड बाय 200,
अगर आप ये करके देखेंगे तो ये 200 की कॉस्ट ये आपके 184,391 आ जाएगी। इस तरह सारी बातें हमने कर ली, किसने क्या सेल किया, क्या खर्चे किए, ये और थोड़ी बहुत बात हमने यहाँ पे कर ली है, वर्किंग नोट्स रिलेटेड हमने बातें कर ली है। अब देखते हैं अकाउंट हम बनाते हैं। अकाउंट में देखिए साहब, अगर मैं बात कहता हूँ तो गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, देखिएगा ये 1000 रेडियो है आपके पास में, 1000 × 900। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ बिकॉज ये होमवर्क है और सिर्फ होमवर्क को हम रीटैली कर रहे हैं, दैट इज 9 लाख रुपीज। और ये कैश में आपने कैश में कंसाइनर ने एक्सपेंस किए, उसके बाद में कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, कंसाइनी के ये एक्सपेंस हो गए। फिर यहाँ पे उस गीता का कमीशन जो है, अब कमीशन गीता कमीशन कितना है भैया, 9 लाख पे 6%, 9 लाख पे 6%, तो 9 लाख पे 6% कमीशन कितना आता है, 54,000 आता है। यहाँ पे गीता जी ने जो सेल किया है वो सेल आ गया, जो आपका एबनॉर्मल लॉस था, इफ यू रिमेंबर एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट जो आपका था, तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट यहाँ पे आ गया। और उसके बाद में कंसाइनमेंट का जो स्टॉक हमने, जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस हमने दिखा दिया, और इस तरह ये हमारा प्रॉफिट आया, इस तरह ये हमारा प्रॉफिट आया 1,52,036 रुपीज, ये हमारा प्रॉफिट आया। मीन्स ये देखिएगा कंसाइनी का अकाउंट भी हमने बनाया है, कंसाइनी के अकाउंट में देखिएगा जो पैसा कंसाइनी से लेना है डेबिट साइड में और जो पैसा उसको देना है क्रेडिट साइड में, बैलेंसिंग फिगर उसने हमें ड्राफ्ट से पे कर दिया होगा, या पैसा हम ये मान रहे हैं बैंक से आ गया होगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में देखिए आपका क्या हुआ, ये टोटल आपका फर्स्ट एंट्री क्या हुआ था आपका, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री क्या होगा आपका, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आया आपका, अभी पैसा आया नहीं है, अभी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम मान लिया है कि हाँ भैया इतना पैसा हम आपको दे देंगे, इतना पैसा हम आपको दे देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिकवर करना है अपने को, 35,000 रिकवर करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर 35,000 रिकवर करना है, तो इट मींस क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी 35,000 की हमारे लिए क्या बन गई, डेटर्स बन गई, क्योंकि जिससे पैसा रिकवर करना होता है बेटा वह क्या होता है, डेटर्स होता है, वह क्या होता है, डेटर्स होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर्स बन गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और उतने से हमारा लॉस कम हो जाएगा, तो लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए वापस हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, हमने ये एक एंट्री की और हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया बाय इंश्योरेंस कंपनी 35,000। बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है, जो आपका प्रॉफिट नहीं, जो या जो आपका बैलेंसिंग फिगर जो लॉस है आपका, वो लॉस यहाँ पे आ जाएगा, और उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था क्लास 9 का, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, ये एबनॉर्मल लॉस भी आपका फिनिश होता है, और ये आपका कंसाइनी अकाउंट भी आपका फिनिश होता है, और ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट भी फिनिश होता है, और इससे पहले ये आपका वर्किंग नोट भी होता है। तो आराम से देखिएगा, मैं इसको एक बार वापस स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, आराम से देखिएगा। तो हाँ जी, ये आपका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट होने के बाद में देखिए, पहले वर्किंग नोट देख लीजिएगा। हाँ जी, हो गया वर्किंग नोट, उसके बाद में ये कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये कंसाइनी अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमवर्क, द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू गाइस, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट इन द कंसाइनमेंट, द इनवॉइस प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय द इनवॉइस प्राइस, और गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट ऑन द इनवॉइस प्राइस क्या होता है, हम वह सब जानेंगे। आइए चलते हैं, हम इनवॉइस प्राइस की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये टॉपिक हमारा जो है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गुड्स सेंट टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, होता क्या है इसका मतलब। देखिए, अभी तक हमने जो भी देखा कि कंसाइनर गुड्स सेंड करता है किसको गुड्स सेंड करता है, कंसाइनी को सेंड करता है, किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब क्या है कि कंसाइनर जिस प्राइस पे परचेस करता है, उसी प्राइस पे वो उसको आगे दे देता है, उसी प्राइस पे वो कह देता है उसको, ये आगे दे देता है, किसको आगे दे देता है, कंसाइनी को दे देता है, और बोलता है कि इसको कुछ सेल पे, इसको कुछ आप क्या कीजिएगा, इसको आप प्रॉफिट पे बेचिएगा।
अब ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में सपोज मानो कि हमने क्वेश्चंस देखा था कि हमने अभी तक के सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो इसमें क्या होता है कि कंसाइनी को एग्जैक्टली ये पता होता है कि कंसाइनर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। अगर सपोज करो कि मैं कंसाइनर हूँ और आप कंसाइनी है, मैंने ये प्रोडक्ट, मैंने ये पेन सपोज कीजिएगा 100 रुपये में परचेज किया है और मैं आपको सेंड करता हूँ 100 रुपये में, आपको सेंड करता हूँ, मैंने 100 रुपये में परचेज किया और 100 रुपये में ही मैं आपको सेंड करता हूँ और मैं कहता हूँ इसको जाके आप 150 में बेचिए, इसको आप 150 में सेल कीजिए, आप 150 में सेल करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि मैं कंसाइनर कितना प्रॉफिट इस पे अर्न कर रहा हूँ। अगर कोई कंसाइनर ये नहीं बताना चाहता, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, अब मैंने क्या कहा, मैंने देखिए साहब ये 100 रुपये का पेन है, इसमें मैंने 50 रुपये और ऐड कर दिया, तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं इसकी कॉस्ट कितनी है, मैं आपको क्या करूंगा, मैं सीधा ये गुड्स आपको सेंड करूंगा। और जब भी गुड्स सेंड किया जाता है ना, इसके साथ में एक मैं पेपर देता हूँ, उस पेपर को कहते हैं इनवॉइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मा इनवॉइस। क्या कहते हैं बेटा? परफॉर्मा इनवॉइस। तो उसमें मैं एक प्राइस लिख दूंगा, उसमें प्राइस सीधा क्या लिख दूंगा, मैं सीधा प्राइस लिख दूंगा 150। अब मेरी बात ध्यान से समझें, ये गुड्स मैंने कितने में परचेस किया था, 100 रुपीज में, और 100 रुपीज में परचेस किया, लेकिन मैंने आपको सेंड कितने में किया है, मैंने आपको सेंड किया है 150 में। तो अब मेरा अकाउंटेंट क्या कहता है, मेरा अकाउंटेंट ने मैंने पूछा कि तूने एंट्री कर दी क्या, उसने कहा साहब मैंने एंट्री कर दी है। किसकी एंट्री कर दी है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री कर दी। और वो अकाउंटेंट बहुत खुश हो रहा है, मान लेते हैं कि ये 1000 क्वांटिटी मैंने आपको सेंड करी। मेरी बात समझ में आ रही है? 1000 क्वांटिटी मैंने आपको सेंड करी है, 1000 क्वांटिटी मैंने कंसाइनी को सेंड करी है, जो मैंने परचेस तो कितने में किया था, परचेस तो मैंने 100 रुपीज में किया था, लेकिन मैंने उसको सेंड किस प्राइस पे किया, मैंने उसको सेंड किया है 150 पे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जब गुड्स मैंने सेंड कर दिया है, जब गुड्स मैंने भेज दिया है कंसाइनी को, मैंने गुड्स आपके पास में भेज दिया, कितने पीस भेज दिए मैंने, 1000 पीस भेज दिए, और एक पीस पे मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किया, कितना प्रॉफिट लोड किया, कितना प्रॉफिट को उसमें जोड़ा, वो है आपका 50 रुपीज पर पीस। यानी टोटल मैंने उस प्राइस में मेरा 1000 यूनिट का कॉस्ट कितना आया था, 1000 यूनिट का अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं, तो 1000 यूनिट का कॉस्ट था मेरा, दैट इज 1000 × 1000 × कितने में परचेस किया था मैंने, 100 में परचेस किया था, तो 1000 × 100, तो ये 1000 × 100 कितना आएगा, हाँ जी बताइए 1000 × 100 कितना आएगा, इट इज 1 लाख। समझ में आ रहा? इसमें मैंने कितना प्रॉफिट ऐड किया, इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया आपका, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव लोडेड, आई हैव लोडेड द प्रॉफिट 50,000। कितना प्रॉफिट लोड किया मैंने, 50,000। और इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, और मैंने आपको क्या प्राइस बताई, मैंने आपको बताई भैया मैं आपके पास में 150,000 का गुड्स भेज रहा हूँ, मैं आपके पास में 150,000 का गुड्स भेज रहा हूँ, ये मैंने आपको यह बता दिया। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे वापस ले लेता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको 150,000 का गुड सेंड कर रहा हूँ और आपको इतने पे ही बेचना है, यानी आपको पर पीस कितने में बेचना है, मैंने कहा आपको पर पीस कितने में बेचना है 150 रुपये में बेचना है, पर पीस कितने में बेचना है, 150 रुपये में बेचना है। डन डन, हाँ जी समझ में आया आपको बात, तो आपको पर पीस कितने में बेचना है साहब, 150 रुपये में बेचना है। आपने कहा सर, जैसे मैंने आपको एक क्लास में भी बोला था, आपने कहा कि सर इसका 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 कॉस्ट कितना, मैंने कहा इसका आपको कोई लेना देना नहीं है, याद करो कुछ पहली क्लास, इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा मैंने इनवॉइस प्राइस के बारे में जिक्र किया था, आज वो दिन आ गया है कि उसको कैसे डील करेंगे। तो आपने कहा सर इसका कॉस्ट कितना है, इसमें मैंने कहा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं आपको 150 में गुड सेंड कर रहा हूँ, मैं आपको 150, एक चीज बताइए 150 में मैं आपको गुड सेंड कर रहा हूँ, आपको आगे इतने में ही सेल करना है, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ क्या हुआ वो मैं अपने आप देख लूंगा अपनी बुक्स में, आप तो बस इस पे जो कमीशन मिलता है उस पे ध्यान फोकस कीजिए। अब यहाँ पे मेरा जो अकाउंटेंट है, भोलाराम, उसका नाम है भोलाराम आया, मैंने भोलाराम से पूछा, हे भोला, उसने बोला बताइए सरकार, मैंने कहा एंट्री कर दी तुमने, उसने कहा हाँ सर एंट्री कर दी मैंने, और सर आज तो बहुत प्रॉफिट हो गया सर, मैंने कहा प्रॉफिट कैसे हुआ बता तो,
आज तो हमने कुछ सेल किया ही नहीं, हमने तो गुड सेंड किया है कंसाइनी को। वो कहता है, अरे सर तभी तो 1000 रुपए का माल था, 1000 में हमने 50,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, और 50,000 का प्रॉफिट जोड़ के हमने इस माल को कितने में भेजा है, हमने 150,000 में भेजा है। कितने में सेंड किया है? 150,000 में सेंड किया है। तो सर हमने 50 का प्रॉफिट कमा लिया ना, सर हमने 50 का प्रॉफिट कमा लिया ना। मैंने कहा ओहो, अब आप बताइए क्या सिर्फ गुड्स को भेजने से, क्या सिर्फ गुड्स को भेजने से कोई बंदा प्रॉफिट कमा सकता है क्या? अरे अगर कंसाइनी के पास में वो गुड्स पड़ा है, अगर सपोज मैंने गुड्स आपको भेज भी दिया है, आपके पास में वो गुड्स पड़ा है, तो बेटा वह गुड्स तो अभी भी किसका है? आप जब तक उसको आगे सेल नहीं करोगे तब तक वो गुड्स अभी भी किसका है? कंसाइनर का है, यानी मेरा ही है। तो उस पे अगर अच्छा, सिर्फ भेजने से, सिर्फ भेजने से क्या प्रॉफिट होगा क्या? नहीं। प्रॉफिट कब होगा? जब आप यानी कंसाइनी इस गुड्स को, कंसाइनी इस गुड्स को आगे क्या करेगा? सेल करेगा। कंसाइनी इस गुड्स को आगे क्या करेगा बेटा? सेल करेगा। तब जाके क्या होगा? तब जाके एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां तो ये मेरा जो भोला राम है, जो मेरा अकाउंटेंट है भोला राम, ये वैसे ही खुश हो रहा है, ये वैसे ही कह रहा है सर हमने हिप हिप हुर्रे, हमने 50,000 कमा लिया रे, आज तो पार्टी हो जाए रे। क्या उसको पार्टी देनी चाहिए क्या? क्या मैं उसको पार्टी दूंगा क्या? नहीं साहब, मैं उसको पार्टी नहीं दूंगा। मैं कहूंगा हे भोले इधर आ, हे भोले इधर आ, और एक मैं उसको क्या दूंगा, मैं उसको हिलाऊंगा थोड़ा सा, मैं कहूंगा जाग प्यारे जाग, ये प्रॉफिट अभी तुमने नहीं कमाया है, ये प्रॉफिट अभी तुमने नहीं कमाया है। तो कहेगा सर हमने एंट्री तो अब देखिए गुड्स के सेंड करने की एंट्री किस पे होगी? इनवॉइस प्राइस पे होगी। किस पे होगी? आपकी इनवॉइस प्राइस पे होगी। समझ में आया आपको चीज? वो बोलेगा सर हमने एंट्री तो इससे की ना, हमने एंट्री तो 150,000 से की है। तो अब मैं कहूंगा जिस साइड में भी तुमने 150 लिखा है, जिस साइड में भी 150 लिखा है, उसमें उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 50,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो वह 50,000 का प्रॉफिट क्या कर दो? रिवर्स कर दो। वह 50,000 का प्रॉफिट रिवर्स कर दो। यह रिवर्स कैसे करते हैं और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं अभी हम समझेंगे। लेकिन अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये क्या है, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो अब देखो क्या होता है, जरा एग्जांपल एक लेते हैं। अभी अकाउंटिंग में आपको समझाऊंगा लेकिन थोड़ा और समझिएगा। देखिएगा, जैसे सपोज कीजिएगा ये एक कंसाइनर है। अब वही कंसाइनर ने गुड्स परचेस किया था, 5,000 लीटर इसने जूस परचेस किया था। किस रेट में जूस परचेस किया था इसने? एट 1,60,000 में इसने 5 लीटर जूस परचेस किया था, ठीक है। अब वो जो उसको गुड्स भेज रहा है, किसको गुड्स भेज रहा है? गुड्स सेंड टू कंसाइनी एट ₹2,00,000। कितने पे भेजा भैया ये? 2,00,000 पे भेजा। तो इसके साथ में क्या किया? एक इनवॉइस बना के भेजेगा, और इनवॉइस बना के भेजेगा, और इनवॉइस में कितना लिखेगा कि मैं कितना भेज रहा हूँ, मैं कितना भेज रहा हूँ, मैं 2,00,000 का माल भेज रहा हूँ। कितने का माल भेज रहा हूँ मैं? 2,00,000 का माल भेज रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ लॉस इन ट्रांजिट हुआ था क्या? सपोज कीजिएगा लॉस इन ट्रांजिट हो गया, 200 लीटर लॉस इन ट्रांजिट हो गया। कितना कितना कितना? 200 लीटर लॉस इन ट्रांजिट हो गया। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए भाई, ये 5,000 लीटर हमने गुड्स को सेंड किया था। अच्छा, इसके अंदर इस 5,000 लीटर का कॉस्टिंग कितना था? 1,60,000 कॉस्टिंग था। और इसको हमने किस प्राइस पे भेजा बेटा? इनवॉइस प्राइस पे भेजा, यानी किस प्राइस पे? 2,00,000 रुपये पे भेजा। यानी हमने इसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया होगा? हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा 40,000 का। हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया होगा? 40,000 का। समझ में आ रही है? अच्छा, अब उसमें से अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो कंसाइनी के पास में, अगर कंसाइनी के पास में क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैं एक पॉइंट अभी इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे कंसाइनी के पास में मैं बात करता हूँ। कंसाइनी के पास में क्या है आपके पास में? कंसाइनी ने कितना गुड्स रिसीव किया था? 4,800 लीटर जूस उसने रिसीव किया, और उस पर उसने सेल आउट कितना कर दिया? 450 लीटर्स उसने सेल आउट कर दिया। कितना सेल आउट कर दिया? 450 लीटर्स। वापस कंसाइनर ने क्या किया? 5,000 लीटर उसने जूस परचेज किया, और जूस जूस को कितने में परचेज किया? 1,60,000 में परचेज किया, और उसको कंसाइनी को सेंड कर दिया। कितने में सेंड किया? 2,00,000 में सेंड किया है। बताओ सिर्फ सेंड करने से प्रॉफिट होता है क्या? सेंड करने से प्रॉफिट नहीं होता।
अच्छा, फिर क्या कुछ इसने भी खर्चे किए क्या? हाँ जी, कुछ इसने भी खर्चे किए थे। और क्या खर्चे किए इसने? इसने फ्रेट एंड एक्सपेंसेस के कुछ खर्चे किए हैं इन्होंने साहब। और वो कितना खर्चा किया? 5000 का खर्चा किया। ठीक है साहब, इन्होंने भी कुछ खर्चे किए क्या? यस, इन्होंने भी कुछ खर्चे किए हैं। और इन्होंने भी कुछ खर्चे किए, कितने खर्चे किए? लेट्स सी, इन्होंने खर्चे किए हैं, क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा किया है 9600 का, और गोडाउन रेंट का खर्चा किया है कितना? 700 का, 700 का ये खर्चा किया है। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन में, देखिएगा ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये मैं कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ? द क्वेश्चन इज कि गुड्स सेंड किया जा रहा है किस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। तो हमारी कैलकुलेशन में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं बात कहता हूँ तो पहले, सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मैंने कितने का गुड्स सेंड किया? मैंने उसको 200000 का गुड्स सेंड किया। इनवॉइस प्राइस, कौन सी प्राइस है ये? इनवॉइस प्राइस, कितने का गुड सेंड किया मैंने? 200000 का गुड सेंड किया। बताओ इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? इसमें प्रॉफिट है 40000 का इंक्लूड है। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, कुल खर्चा कितना किया मैंने? खर्चा किया यानी कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 5000 का खर्चा किया। और 5000 के खर्चे में अब यहाँ पे देखें तो कॉस्टिंग कितनी आती है? यही कॉस्टिंग आती है। अच्छा, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, लॉस इन ट्रांजिट कितना है ये आपका? तो लॉस इन ट्रांजिट हो गया आपका दैट इज 200। और इस 200 की कॉस्टिंग कितनी आएगी? ये कॉस्टिंग नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस है। ये कॉस्टिंग नहीं है, ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है बेटा, ध्यान रहे। दिस इज नॉट कॉस्टिंग, दिस इज इनवॉइस प्राइस। अब इस इनवॉइस प्राइस यानी कि ये इनवॉइस प्राइस कैसे आया? दैट इज 205000, 205000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 200। कैसे आया ये? 205000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ये आ गया आपका 8200। अब ये जो लॉस है ना, इस लॉस के अंदर मुझे बताइए ये लॉस किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे है। किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे है। और आपका इनवॉइस प्राइस आता कैसे है? आपका इनवॉइस प्राइस अगर मैं बात कहूँ तो आपका इनवॉइस प्राइस कैसे होता है? अगर आप कॉस्ट में, अगर आप कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं? कॉस्ट में आप इनवॉइस प्राइस ऐड कर देते हैं, कॉस्ट में आप इनवॉइस प्राइस ऐड कर देते हैं बेटा, तो सॉरी, कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हैं? कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? इनवॉइस प्राइस आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? इनवॉइस प्राइस आ जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे ये इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर प्रॉफिट भी है और इसके अंदर कॉस्ट भी है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है और इसके अंदर कॉस्ट भी है। तो हमें इसमें से प्रॉफिट एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एलिमेंट कैसे आएगा? देखिएगा, टोटल प्रॉफिट कितना था? अगर मैं बात कहूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना इंक्लूड था? 40000 का। टोटल प्रॉफिट कितना इंक्लूड था? 40000 का, डिवाइडेड बाय ये 40000 कितनी क्वांटिटी पे इंक्लूड था? 5000 क्वांटिटी पे इंक्लूड था। यह 40000 5000 क्वांटिटी पे इंक्लूड था। तो मुझे कितनी क्वांटिटी पे प्रॉफिट का शेयरिंग चाहिए? लॉस कितना हुआ आपका? 200 का। तो कितने का चाहिएगा मेरे को? 200 का चाहिएगा। तो 40000 डिवाइडेड बाय 5000, वैसे भी अगर मैं यहाँ पे 40000 डिवाइडेड बाय 5000 करता हूँ, मैं 40000 डिवाइडेड बाय मैं अगर 5000 करता हूँ तो इट कम्स 8 रुपीज़ पर लीटर हमने प्रॉफिट ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाएगा, द प्रॉफिट विल कम 1600। कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 1600। आप चाहें तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 8 भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो 40000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 2000 ये भी कर सकते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। समझ में आ गई ये चीज़? अच्छा साहब, उसके बाद में अगर मैं बात कहता हूँ तो इन साहब को गुड्स कितना रिसीव हुआ होगा? साहब को बैलेंस क्वान्टिटी कंसाइनी को रिसीव हुआ होगा 4800। और इन्होंने खर्चा कितना किया है? यहाँ पर खर्चा मैं लिख देता हूँ 3100 नहीं, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस कितना किया है इसने? 9600 इसने खर्चा किया। कितना खर्चा किया है ये देखिए ना, ये देखिए ना कंसाइनी का, ये देखिए कंसाइनी का क्या है, ये कंसाइनी का बेटा, ये कंसाइनी का क्या है ये? कि कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय कंसाइनी, कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए अब जो आपके पास में खर्चा आ रहा है वो खर्चा कितना आ रहा है? दैट इज, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 2,06,400। और यहाँ पे टोटल कितना आता है आपका? 4800। समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का कोई भी नॉर्मल लॉस मैंने नहीं लिया इसमें, तो नॉर्मल लॉस है ही नहीं मेरे पास में। तो अब मेरे पास में क्या रहेगा? नेट क्वांटिटी एंड इनवॉइस प्राइस, नेट क्वांटिटी एंड इनवॉइस प्राइस। अच्छा,
अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात कहता हूं तो मैंने 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 कितना कितना सेल आउट कर दिया है, मैंने मैंने सेल आउट कर दिया है भाई साहब, कितना क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया था, मैंने 4050 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया। तो अगर मैंने 4050 क्वांटिटी सेल कर दिया है तो इसमें से 4050 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से अगर मैं क्या कहता हूँ 4050 मैं लेस कर दूँ, कितना लेस कर दूँ मैं 4050 लेस कर दूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम देखें तो इट कम्स, हाँ जी, अगर मैं 4050 लेस कर देता हूँ यहाँ से तो अब कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 750, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा यहाँ पे 750, और 750 की कॉस्ट कितनी आएगी दोस्त, 750 की कॉस्ट कितनी आएगी ये देखिएगा, 750 की कॉस्ट जो आपके सामने आ रही है वो है आपका 32,250, 32,250। होप यू अंडरस्टूड, कैसे आया ये कॉस्ट है या इनवॉइस प्राइस है, बताओ मुझे ये कॉस्ट है या इनवॉइस प्राइस है। सर ये सारी बातें हम किस पे कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट नहीं है, ये भी क्या है इनवॉइस प्राइस है, ये भी क्या है आपका इनवॉइस प्राइस है, दिस इज ऑल्सो योर इनवॉइस प्राइस। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 750 आया है उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा, उसका इनवॉइस प्राइस है 32,250। तो बताओ इसके अंदर मैंने प्रॉफिट कितना इस 32,250 के अंदर। अब इनवॉइस प्राइस है, ये क्या है इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस में क्या क्या शामिल होता है कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस में क्या क्या शामिल होता है, इनवॉइस प्राइस में शामिल होता है कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितना है, तो मैं जरा प्रॉफिट देखूं तो कितना होगा, 6,000 का प्रॉफिट इसमें शामिल है। कैसे आया है 6,000, आप क्या कर सकते हैं वही 40,000 है, 40,000 डिवाइडेड बाई 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर सकते हैं आप 750 कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 750 कर सकते हैं, और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं 750 आपके पास में है मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना आता है 8, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे कैसे भी करें आपका ये प्रॉफिट आ रहा है 6,000। मतलब ये सारी कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं, जब गुड्स को आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आता एक बार क्लास को रिवाइंड कीजिएगा, वापस देखिएगा, डरने की बात कुछ भी नहीं है। हम ये कब कर रहे हैं, ये हम तब कर रहे हैं बेटा जब हम गुड्स को, जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहे हैं, यानी कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को लोड कर रहे हैं और एक प्राइस निकाल रहे हैं, उस प्राइस को हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पे उसको सेंड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। हाँ जी, होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ जी क्लियर है ये पॉइंट, चलेगा। तो अब इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो देखिए ये कैलकुलेशन है, इसको हम किस तरह से हम बिठाएंगे क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से इसकी क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इनवॉइस प्राइस में क्या करते हैं, अब समझिएगा, जो भी गुड्स हमने सेंड किया या जो भी हमारा लॉस है या जो भी हमारा स्टॉक पीछे बचा हुआ है उसके अंदर कितना कितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको हमने अलग से देख लिया, उसके अंदर कितना कितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने अलग से देख लिया कि मेरा जो गुड्स मैंने सेंड किया, जो गुड्स मैंने सेंड किया उसमें मेरा कितना प्रॉफिट है, जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, और जो मेरा बाद में बचा, बाद में यानी कि उसकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरे पास में बचा तो उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, ये सारी बातें हमने देख ली। सर हमने जो गुड्स सोल्ड किया उसके अंदर कितना प्रॉफिट है ये क्यों नहीं देखा, नहीं देखेंगे इसको, क्यों नहीं देखेंगे अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे, बात समझ में आती है आपको, हाँ जी साहब। चलिए तो कुछ अब इनवॉइस प्राइस में आपको क्या करना क्या होगा, आपको ये एग्जांपल पूरा लिखना है, आपको ये एग्जांपल पूरा लिखना है और इनवॉइस प्राइस का देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैं थ्योरी आपको बताना चाहूँ इनवॉइस प्राइस का तो थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ। देखिए गुड्स कंसाइंड एट अबाउट कॉस्ट, यानी इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर दिया साहब, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दिया, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने इनवॉइस प्राइस बोल दिया मेरे दोस्त, क्या बोल दिया इनवॉइस प्राइस बोल दिया। अब ये जो इनवॉइस प्राइस मेरे यहां पे आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, मैं गुड्स को कंसाइन कर रहा हूं, सेंड कर रहा हूं, किस प्राइस पे, कॉस्ट पे नहीं, इनवॉइस प्राइस पे, यस। वो कैसे आया कॉस्ट में, प्रॉफिट को ऐड किया। आइए बात करें, If consignor does not want to reveal the real cost of goods to the consignee, he may sign the goods at a value higher than the cost, that is called invoice price. Invoice price का मतलब क्या होता है, cost plus profit element, cost plus profit element. तो इसकी accounting कैसे होती है, if goods are invoiced above cost, the goods consigned, यानी goods sent on consignment and closing stock will be recorded at the invoice price. यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ goods
जी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी, एक और लिख देता हूँ, अगर वो होगा तो सी भी रहेगा, और वो सी कौन सा होगा बेटा, अरे सी सी, हाँ जी सी क्या रहेगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये भी कंसाइन, ये भी इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग होगी, और इसकी अकाउंटिंग हम समझेंगे। समझ में आ रहा है चीज, चलेगा। अकाउंटिंग रिमूवल ऑफ लोडिंग, ये क्या होता है, ये एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में परफॉर्म इनवॉइस क्या होता है, वो इनवॉइस जो कि जनरली क्या होता है, जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे हम सेंड करते हैं, तो सेंड करने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वो इनवॉइस कुछ देना पड़ता है। क्या वो एक्चुअल इनवॉइस होता है क्या? नहीं, एक्चुअल इनवॉइस नहीं होता, वो एक्चुअल बिल नहीं होता है, उस बिल को हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। एक्चुअल बिल तो कब कटेगा, जब एक्चुअल में सेल होगा, जब कंसाइनी आगे सेल करेगा तो एक्चुअल बिल कटेगा। तो अभी हम एक्चुअल बिल नहीं काट रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ एक परफॉर्मा इनवॉइस काट रहे हैं, अभी हम एक्चुअल इनवॉइस नहीं काट रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावे का इनवॉइस है, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मा इनवॉइस। डॉक्यूमेंट विच डॉक्यूमेंट सेंड विद गुड्स इन विच प्राइस एंड क्वांटिटी हैज बीन शोन, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मा इनवॉइस। समझ में आ रहा है चीज। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इनवॉइस प्राइस के साथ में, और वो पुरानी बातों को साथ में लेते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं, और वही क्वेश्चंस करते हैं जो आपको सारा समझ में आया हुआ है। क्वेश्चंस आइए, इन क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं। यही है आपका मॉडर्न बिवरेजेस ऑफ बॉम्बे कंसाइन 5000 लीटर्स ऑफ द लीकर टू ये दिस दिस, ये सारी बातें वही है। अब सिर्फ मैंने इसमें एक चेंज किया, पहले 160 था, अब मैंने इनवॉइस वैल्यू क्या कर दी इसकी, 2 लाख रुपीज कर दी है। 2 लाख रुपीज इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख है आपका इनवॉइस प्राइस, ये 2 लाख क्या है आपका इनवॉइस प्राइस। What is this 2 lakh? This 2 lakh is your invoice price. और इस invoice price के अंदर, इसके अंदर profit कितना include है? 20% of invoice price. यानी कि invoice price का 20%, 2 lakh का 20%, 2 lakh का 20% कितना होता है? 40,000. 2 lakh का 20% कितना होता है? 40,000. यह इसके अंदर include है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहता हूँ, तो हम goods sent on consignment, goods sent on consignment के लिए हम entry क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हम एंट्री करते हैं। तो चलिए, ये हमने एंट्री की, और ये एंट्री अब चूंकि हम यहाँ पे गुड्स को सेंड कर रहे हैं, कौन सी प्राइस पे सेंड कर रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहे हैं। कौन सी प्राइस पे सेंड कर रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहे हैं। तो एंट्री भी किस प्राइस पे होगी? इनवॉइस प्राइस पे होगी। हृदया, ये क्या किया हमने, गुड्स को सेंड कर दिया इनवॉइस प्राइस पे, क्या हमने प्रॉफिट कमा लिया क्या इस पे? नहीं साहब, इस पे प्रॉफिट नहीं कमाया, इस पे प्रॉफिट नहीं कमाया। तो इसमें से, इसमें जितना प्रॉफिट है, इसके अंदर जितना प्रॉफिट है, इसके अंदर जितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है? 40,000 प्रॉफिट है। वो मुझे इसमें से वापस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। वो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट मैं यहां से लेस नहीं कर पाऊंगा, मैं माइनस यहां से नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे डेबिट में से कुछ प्रॉफिट को लेस करना है, तो मैं किधर लिख दूं? तो मुझे किधर लिखना पड़ेगा? मुझे यस इस तरफ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। देखिए, इस 2 लाख, तो नेट इंपैक्ट आपका, अगर मैं कहूं कि डेबिट में 2 लाख है, डेबिट में 2 लाख है और क्रेडिट में आपका 40,000 है, डेबिट में 2 लाख है और क्रेडिट में आपका 40,000 है, तो यहां पर अगर मैं बात कहें तो नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है आपका? 160 का ही आ रहा है। कितने का आ रहा है? 160 का ही आ रहा है। तो यहां पे भी नेट इंपैक्ट आपका 160 का ही आ रहा है। आया समझ में? यहां पर भी नेट इंपैक्ट किसका आ रहा है आपका? 160 का ही आपका इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, ये सिर्फ अब आपको तो हल समझ में आया होगा बेटा, यहां तो ये किस अकाउंट से एंट्री करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं, ये भी उसी अकाउंट से करेंगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किस पे किया रे? एट इनवॉइस प्राइस किया। किस पे किया? एट इनवॉइस प्राइस किया। और इसके अंदर जो प्रॉफिट का एलिमेंट था, प्रॉफिट एलिमेंट, अब ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, इसको मैं शॉर्ट में GSOC अकाउंट भी बोल सकता हूँ। GSOC क्या अकाउंट बोल सकता हूँ मैं? GSOC अकाउंट बोल सकता हूँ। तो GSOC के अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट है, उसको मैंने दूर कर दिया। इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ लोडिंग। इसको क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ लोडिंग। इसके अंदर कितना प्रॉफिट आपने लोड किया था, उसको वापस रिवर्स एंट्री से रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ लोडिंग। तो यहां पे आपका रिमूवल ऑफ लोडिंग आ गया। तो प्रॉफिट एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया,
प्रॉफिट एलिमेंट इन जीएसओसी, ये आपका 40,000 आपका रिमूव हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी आपकी, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी बेटा, अगर गुड्स सेंड करने की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कौन सी प्राइस से, इनवॉइस प्राइस से, और इनवॉइस प्राइस से किया, और इसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है उस प्रॉफिट एलिमेंट से हमने एक रिवर्स एंट्री कर दी, और रिवर्स एंट्री से उस प्रॉफिट को वापस हमने कम कर दिया, तो एंट्री क्या हो गई हमारी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री करने से वापस नेट इंपैक्ट हमारा कैसे आ गया, वो नेट इंपैक्ट हमारा किस पे आ गया, नेट इंपैक्ट वापस हमारा किस पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया। तो सर फिर इसको करने का मतलब क्या है, हम सीधा एक साथ पे दिखा दें, दिखा सकते हैं बेटा वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, इन अकाउंट्स वालों ने क्या किया, इन अकाउंट्स वालों ने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये सारी बातें कर दी, तो हमको तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, वरना सिंपल ज्यादा कॉस्ट पे आप एंट्री करते, कॉस्ट पे सारी बातें हो जाती, लेकिन नहीं साहब हमें तो कुछ डिफिकल्टी लानी है। खैर कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे हमको क्या देखना है, अगर गुड्स आपका इनवॉइस प्राइस पे सेंड होता है तो हमने इनवॉइस प्राइस पे ही यहाँ पे लिखा है, और इसके अंदर का प्रॉफिट हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। तो ये था रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, ये क्या था आपका, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। तो अब आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझ में आया होगा, रिमूवल ऑफ लोडिंग कह दूँ या रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कह दूँ ये समझ में आया, रिमूवल ऑफ लोडिंग कह दूं या रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कह दूं ये एक ही बात है। तो इसको किस तरह से करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा, इसको हमने यहाँ पे देखा, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये 40,000 हमने कर लिया। बाकी की चीज़ें तो देखो सेम रहती है, बाकी की चीज़ें तो क्या है देखो सेम रहती है। तो अगर मैंने कहा खर्चे उसने कितने किए, 5,000 के खर्चे किए, खर्चे उसने कितने किए हैं, 5,000 की खर्चा किया, देख लीजिएगा ना ये खर्चा है ना आपका मॉडर्न बिवेज पेड रुपीज इतना इतना ही खर्चा हो गया। अब 200 लीटर का इसका डिस्ट्रॉय हो गया भैया, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। हम यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री करेंगे ना कौन सी प्राइस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। ये देखो ये यहाँ पे गुड सेंड कितना किया, 200,000 का, इस पे प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 40,000, खर्चा कितना हुआ, 5,000, अब कितना आ गया, 205,000। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 1600 का प्रॉफिट इंक्लूड है, लॉस इन ट्रांजिट है ना ये, जो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, 1600 का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो आइए समझते हैं इस लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री भी हम कैसे करेंगे। ये देखिए अगर मैं कहता हूँ लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री करनी थी ना मेरे को, तो यहाँ पे अगर मैं लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री करता हूँ तो कैसे आएगा, देखिएगा यहाँ पे ये लॉस इन ट्रांजिट बाय एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट, दिस इज लॉस इन ट्रांजिट, 200 लीटर आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका क्या है, लॉस इन ट्रांजिट है, ये आपका लॉस इन ट्रांजिट है। हाँ जी, ये जो आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल जो 200 लीटर आपका एबनॉर्मल लॉस है बच्चा, ये 200 लीटर एबनॉर्मल लॉस है, इसको मैंने किस प्राइस पे दिखाया है, इसको मैंने किस प्राइस पे दिखाया है, इसको मैंने इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है। तो ये भी कौन सा प्राइस है आपका, ये भी आपका इनवॉइस प्राइस है, ये भी आपका इनवॉइस प्राइस है। अच्छा ओ हो, कभी लॉस भी क्या कभी इनवॉइस प्राइस पे होता है क्या, लॉस भी कभी इन्वेस्ट प्राइस पे होता है क्या, ध्यान रहे लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जैसे सुनो समझो जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में से प्रॉफिट कम किया ना, वैसे ही बेटा इसमें जो प्रॉफिट है ना उसको कम कर देंगे। अच्छा अब इसमें जो प्रॉफिट है वो कम करने के लिए, इसमें जो प्रॉफिट है उसको कम करना है, तो वो कमी कहाँ कहाँ लिखूं, तो जब भी किसी में से प्रॉफिट कम करना होता है तो उसके रिवर्स साइड में लिख दो, जब भी किसी में से प्रॉफिट कम करना है तो उसके रिवर्स साइड में लिख दो। तो यहां पे ये एबनॉर्मल लॉस मैंने इधर लिखा है, तो इसके मैं रिवर्स साइड में क्या लिख दूंगा, इसके रिवर्स साइड में टू एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट एलिमेंट, कितना प्रॉफिट एलिमेंट है, 1600 का प्रॉफिट एलिमेंट है। याद है ना वो 1600 कैसे आया था, वो 1600 चाहें तो आप पर यूनिट निकाल के कर लें, और या चाहें तो आप ये यहां से कर लें, क्या टोटल प्रॉफिट कितना आपका 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 इट कम्स 1600। और अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना है,
पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना है बेटा, 8 रुपीज, कितना है 8 रुपीज। अब 8 रुपीज आपका प्रॉफिट है और इसके बेसिस पे यहां पे कितना यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ, 200 यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 1600 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। और 1600 के प्रॉफिट को हमने यहां पे एलिमिनेट कर दिया, यानी इस प्रॉफिट को हमने रिमूव कर दिया। तो दैट इज, समझ में आ रहा है ये चीज, देखिएगा समझिएगा। अब आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, कुछ नहीं है। अगर आपने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को सेंड किया है, अगर आपने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को सेंड किया है तो उसी प्राइस पे, तो जितना प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है, उसको हमें क्या करना होता है, उसका हमें रिवर्सल करना होता है। ये हमने रिवर्सल कर दिया, समझ में आ रही है बात, ये हमने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आया। अच्छा साहब, तो उसके बाद में क्या बोला गया इसने, उसके बाद में बोला गया ऑन इतना कैरिज इसने खर्चे पे किए। किसने खर्चे पे किए हैं साहब, कंसाइनी ने खर्चे पे किए हैं। और कंसाइनी के जो खर्चे पे होते हैं, जरा चेक करें कौन से खर्चे हो गए हैं। ओ वस्त्रालय, ये वस्त्रालय नहीं है, ये मदिरालय है। मदिरा बिक रही है और मदिरालय में क्या है, ये शाह ब्रदर्स हैं। तो शाह ब्रदर्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, यस टू शाह ब्रदर्स। और यहाँ पे भी मुझको लिखना पड़ेगा शाह ब्रदर्स, चलिएगा। शाह ब्रदर्स ने कितना कितना खर्चा पे किया, कैरिज चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यस ये क्या है आपके पास में, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है आपके पास में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और ये जो गोडाउन रेंट और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो शाह ब्रदर्स ने आपको इतने खर्चे पे किया, कितना पे किया, ये सारा खर्चा शाह ब्रदर्स ने पे किया है। अच्छा, शाह ब्रदर्स ने कुछ सेल आउट किया है क्या, हाँ जी शाह ब्रदर्स ने कुछ सेल भी तो किया है। कितना सेल किया है, देखिए इसने कहा था कि 4050, शाह ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट द 4050 लीटर वर सोल्ड एट ₹1,65,000। तो ओ वस्त्रालय नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, शाह ब्रदर्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, शाह ब्रदर्स आएगा। और कितना लीटर सेल कर दिया इसने, 4050 लीटर सेल कर दिया। तो इस तरह से ये आपका सेल्स भी आ गया। हाँ, ध्यान रहे सेल्स को पहले ऊपर लिखा जाता है और लॉस को नीचे लिखा जाता है। आप चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सेल्स लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए, सो इस तरह से हमने देखा। और उसके बाद में हमारा वस्त्रालय लिमिटेड क्या आ जाएगा, कमीशंस भी हम बात कर लें। तो कमीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमीशन वही है आपका 4% और 2% आपका क्या है, कमीशन है, दैट इज 4% प्लस 2% आपका कमीशन, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है, ऑन 31 मार्च 2017 शाह ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट द 4050 लीटर वर सोल्ड एट ₹1,65,000 एंड 50 लीटर वर लॉस्ट। इसको फिर मैं अब यहां से मैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक बार मैं अगली बार वापस लूंगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। 1,04050 लीटर वर सोल्ड रुपी एट ₹1,65,000। ए कस्टमर हु बॉट लीकर फॉर ₹1,500 वॉज एबल टू, यानी एक तरह से बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स है। तो ये कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा ये बैड डेब्ट्स, शाह ब्रदर्स बियर करेगा। क्यों, क्योंकि मॉडर्न ने क्या किया, मॉडर्न ने तो उसको डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है। मॉडर्न ने उसको क्या दिया हुआ बेटा, डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है। तो जब डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो जो भी अमाउंट आता है, जो भी लॉस होता है बैड डेब्ट्स के रूप में, जो भी लॉस होता है वह लॉस कौन बियर करता है, कंसाइनी बियर करता है। एज्यूमिंग दैट शाह ब्रदर्स पेड द अमाउंट बाय द बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये बाकी सारी बातें वही है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, क्या क्या वैल्यूएशन करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। आइए जरा नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखें तो देखिएगा। अगर मैं बात कहता हूँ ये एबनॉर्मल लॉस ये हो गया था, एबनॉर्मल लॉस को हमने लेस कर दिया, लेस किया तो बैलेंस क्वांटिटी रिसीव्ड आ गई अपने पास में। और उसके पास में अब इसने कितना खर्चा किया साहब, अब इनने खर्चा किया 3100 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा किया है ना, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ बेटा, ये 3100 का खर्चा किया है। और अब इसका टोटल एक्सपेंस कितना आ गया है, दैट इज 4800 यूनिट्स लीटर्स लीकर इनको मिला है। और उसका इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना आ गया, 3100 आ गया। होप यू अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे इनवॉइस प्राइस प्लस इंक्लूडिंग कंसाइनी के एक्सपेंसेस कुल मिला के 1,99,900। और यह किसके 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 अगेंस्ट में कितने यूनिट हैं, इसके अगेंस्ट में यूनिट है 4800 लीटर्स।
तो अब उसमें से आपने सेल कितना कर दिया था, आपने सेल कर दिया था 750, आपने सेल कितना कर दिया था बेटा, सॉरी आपने सेल कर दिया था 4050, आपने सेल कितना किया था 4050 आपने सेल किया था, आपने सेल कर दिया था 4050, तो 4050 सेल करते ही आपके पास में यहाँ पे कितना आ गया 750, यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट नहीं है बेटा, ये क्या है, ये अगेन इनवॉइस प्राइस है, ये अगेन क्या है इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्वांटिटी, ये क्या आ गया आपका क्वांटिटी, दिस इज योर क्वांटिटी, और ये क्या आ गया आपका इनवॉइस प्राइस, इस क्वांटिटी का ये इनवॉइस प्राइस है, ये कैसे आया, सिंपल सी बात है यार, ये कैसे आएगा देखो मैं करके बताता हूँ आपको ये कैसे आएगा, तो आपका टोटल इन्वॉइस प्राइस कितना 199,900 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय कितना है 4,800 मल्टीप्लाइड बाय आपको कितना चाहिए 750 का कॉस्ट चाहिए, 750 का इन्वॉइस प्राइस चाहिए, 750 का इन्वॉइस प्राइस, तो देखिए जैसे ही आपने ये किया, जैसे ही आपने ये किया, देखिए ये करके मैंने आपको दिखा दिया, जैसे ही आपने ये किया तो आपके पास में ये इसका इन्वॉइस प्राइस आ गया। अब इनवॉइस प्राइस, अगेन इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, इस मुझे एक चीज बताइए, ये 750 के अंदर, ये 750 यूनिट के अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूड किया हुआ है, इस 750 के अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूड किया हुआ है, इस 750 के अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूड किया हुआ है, कंसाइनर ने प्रॉफिट, कंसाइनर ने कितना प्रॉफिट लोड करके दिया हुआ है, तो वही रहेगा बेटा, वो तो देखो 8 रुपीज पर लीटर है इसके अंदर, 8 रुपीज पर लीटर है इसके अंदर, तो 750 अगर मैं यहां पे कहता हूं बराबर 750 मल्टीप्लाइड बाय द 8 तो कितना आ जाएगा 6000, यानी इसके अंदर प्रॉफिट कितना लोड किया हुआ है 6000 का प्रॉफिट लोड किया हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, वो और कैसे आ सकता है, टोटल प्रॉफिट कितना था आपका, टोटल प्रॉफिट था आपका 40000, टोटल प्रॉफिट कितना था आपका 40000, अच्छा ये 40,000 कितने यूनिट पे था भैया, कितने लीटर्स पे था, 5,000 लीटर्स पे था, याद है ना स्टार्टिंग में उसने 5,000 भेजा था, अच्छा अपने को कितने लीटर का चाहिए, अपने को चाहिए 750 लीटर्स का, कितने का चाहिए 750 लीटर्स का, तो वैसे भी 6,000 आ सकता है, आप चाहें तो पर लीटर कैलकुलेट करके कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रपोर्शनेट हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू निकाल दी, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू कौन सी निकाल दी, एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने कौन सी निकाली है, एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है हमने उसका इनवॉइस प्राइस, और इस इनवॉइस प्राइस के अंदर कितना, इस इनवॉइस प्राइस के अंदर कितना प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो भी हमने निकाल दिया। आइए अब ये निकालने के बाद में इसकी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी मैं कंसाइनमेंट स्टॉक लिखूंगा, ये 31,563 आपके पास में अगर मैं कहता हूँ यहाँ से आया है, 31,563 नहीं, ये कितना है 31,234 है, कितना है ये 31,234 है, तो यहाँ पे मैं 31,234 लिखूंगा, 31,563 नहीं लिखूंगा, दैट इज इसको मैं सीधा कनेक्ट कर देता हूँ मेरे नीचे वाले सेल से, ये देखिए 31,224 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ आ जाएगी बेटा तो यहाँ पे अब इसके अंदर प्रॉफिट, अब इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको मुझे अलग करना पड़ेगा। बताइए क्लोजिंग स्टॉक मैंने किधर लिखा, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखा मैंने, क्रेडिट साइड में लिखा, तो इसके अंदर का प्रॉफिट, अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, हटा नहीं देता, हाँ जी, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट जो है, मुझे एक चीज बताइए क्लोजिंग स्टॉक को मैंने किस तरफ लिखा, क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को किस तरफ लिखा, क्रेडिट साइड में। अब इसके अंदर से मुझे प्रॉफिट को हटाना है, इसके अंदर से प्रॉफिट को निकालना है, तो मैं किस तरफ लिखूंगा, मैं लिखूंगा किस तरफ, डेबिट साइड में, मैं लिखूंगा किस तरफ, डेबिट साइड में, और ये जो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा, अगर अब आप मुझे बताएं ये जो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखूंगा, हाँ जी, सो इस डेबिट साइड में जैसे ही मैं लिखता हूँ कितना आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द 6000, ये प्रॉफिट किस इसमें दिया था ना, कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, 6000 प्रॉफिट इंक्लूड था, तो इसके लिए बेटा जी मुझे बनाना पड़ेगा, इसके लिए जो एंट्री करनी पड़ेगी या मुझे जो बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक रिजर्व। क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, कि आपके स्टॉक में, आपके क्लोजिंग स्टॉक की जो इनवॉइस प्राइस है उसके अंदर प्रॉफिट के रूप में आपने कितना रिजर्व ठोक रखा है, प्रॉफिट के रूप में कितना रिजर्व ऐड करके रखा है, या आपने कितना प्रॉफिट एलिमेंट उसमें ऐड करके रखा है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व की एंट्री स्टॉक रिजर्व के नाम से ही होगी।
स्टॉक रिजर्व की एंट्री स्टॉक रिजर्व के नाम से ही एंट्री होगी। क्या एंट्री हो गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। समझ में आ रहा है? दिस इज प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से जब तो देखो, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाऊँ इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, उसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, उसको मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, उसको मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। आया समझ में आया? हाँ जी। तो अगर मैं ये बात कहूँ, ये दोनों मेरा इन्वेस्ट प्राइस पे था, ये दोनों मेरा इन्वेस्ट प्राइस पे था और इस पर जो प्रॉफिट था उसको मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ये मेरा इन्वेस्ट प्राइस पे था, इसका प्रॉफिट मैंने यहाँ एलिमिनेट कर दिया। ये सेल भी इन्वेस्ट प्राइस पे, ये सेल भी किस प्राइस पे है, इन्वेस्ट प्राइस पे है, ये सेल भी इन्वेस्ट प्राइस पे है, लेकिन इसके प्रॉफिट को हम कहीं एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसके प्रॉफिट को कहीं एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है, इसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है, वो प्रॉफिट हमने कमा लिया, वो प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया। तो ऐसा प्रॉफिट जो हम अर्न कर लेते हैं, ऐसा प्रॉफिट जो हम कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, बेटा जी उसके लिए उसका रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो ही प्रॉफिट रिवर्स करना होता है, सिर्फ वो ही प्रॉफिट को रिवर्स करना होता है, सिर्फ उसी प्रॉफिट को रिवर्सल में डालना होता है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं किया। ये देखिए, हमने अभी गुड्स सेंड किया है, सिर्फ जीएसओसी किया है जी, जीएसओसी किया है। क्या जीएसओसी करते ही, क्या जीएसओसी करते ही गुड्स आप, क्या जीएसओसी करते ही आपने प्रॉफिट कमा लिया? क्या नहीं कमाया? तो इसका आपने रिवर्स यहां पे कर दिया। एबनॉर्मल लॉस हो गया साहब, अरे लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट कमाया है इसमें, ये तो लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं कमाया, तो ये इनवॉइस प्राइस पे था, हमने इसको यहां पे कर दिया। अरे स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ, ये स्टॉक भी किस प्राइस पे है, ये स्टॉक भी आपका इनवॉइस प्राइस पे है। क्या स्टॉक अभी रखा हुआ है कंसाइनी के पास में, आपका स्टॉक, ये आप ही का स्टॉक है, क्या पड़े पड़े आपने प्रॉफिट कमा लोगे क्या? नहीं साहब, जब इसको वापसी में हम सेल करेंगे ना, तब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टॉक रिजर्व बेटा, इसका मैंने रिवर्सल कर दिया। ये सब करने के बाद में, अगर आपने देखा हो, ये सब करने के बाद में देखो ये किस प्राइस पे आ गया, कॉस्ट प्राइस पे, क्यों नेट ऑफ कर दो। ये किस प्राइस पे आ गया, ये भी कॉस्ट प्राइस पे आ गया, इसका इसका नेट ऑफ कर दो बोलिए आप। ये किस प्राइस पे आ गया, ये इसका इसका नेट ऑफ करके कॉस्ट प्राइस पे आ गया। तो अल्टीमेटली भले ही आप इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहे हैं, भले ही आप गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहे हैं, लेकिन आप जो अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, वो अल्टीमेटली उसको किस प्राइस पे लेके आ जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लेके आ जाते हैं। कान को, इस कान को पकड़ना ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन कान तो यही पकड़ा जा रहा है। समझ में आई ये बात? और इस तरह से आपका जो प्रॉफिट आएगा, और इस तरह से आपका बेटा प्रॉफिट आ जाएगा, ये प्रॉफिट है आपका, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका 16,734 आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर टोटल। और इस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कंप्लीट होता है। किस रूप में कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कंप्लीट होता है बेटा? ये उस रूप में कंप्लीट होता है कि हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, हमने इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि इनवॉइस प्राइस होती है तो हमको इनवॉइस प्राइस की कैलकुलेशंस करनी होती है। एक क्वेश्चन मैं आपका लूंगा, इनवॉइस प्राइस प्लस नॉर्मल लॉस, जब दोनों कॉम्बिनेशन का होता है, नॉर्मल लॉस भी होता है, एक वो डिटेल क्वेश्चंस में लूंगा वो, लेकिन बाद में लूंगा, अभी ये क्वेश्चंस है आपके सामने। आज आपका होमवर्क होगा, मैं आपको नोट्स भी सेंड करूंगा, आपका होमवर्क भी होगा। शाह ब्रदर्स का काम वही है आपका, नॉर्मल प्राइस है आपका, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सेम है आपका। इसने, हाँ जी, अच्छा, बैंक ड्राफ्ट इसने 34,000 यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे कितना दिया उसने, 40,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया था, तो 40,000 का देते ही फिर यहाँ पे वो चेंजेस आ जाता था, बिल्कुल यहाँ पे वो चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे वो चेंजेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1,09,000 आपका, हाँ, ये शाह ब्रदर्स का अकाउंट सेम रहेगा। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी आपका सेम रहेगा, वो शायद मैंने बनाया नहीं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट यहाँ पे, बट वो सेम रहेगा। मेनली जब इनवॉइस प्राइस आता है तो इनवॉइस प्राइस में क्या क्या डिफरेंशिएट आ जाता है, इनवॉइस प्राइस आता है तो अब थोड़ा और वापस मैं रिकैप कर दूं। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है, इनवॉइस प्राइस में जो जहां हमने प्रॉफिट लोड किया हुआ होता है और उस प्रॉफिट को हमने कमाया नहीं है, जहां जहां प्रॉफिट हमने, जहां जहां
एक दो तीन, जहां जहां पे प्रॉफिट हमने लोड किया था, वो जहां जहां हमने प्रॉफिट लोड किया और हमने कमाया नहीं है, उस प्रॉफिट को रिवर्स कर दो। और जहां पे प्रॉफिट तुम्हारा ऑलरेडी है उसमें लेकिन तुमने कमा लिया है, तो अब उसको रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। यही है कॉन्सेप्ट। तो अब आपको लाइन समझ में आएगी। ये देखो, रिमूवल ऑफ लोडिंग, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं रिवर्सल ऑफ क्या कह सकता हूं, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट भी मैं इसको कह सकता हूं। अब ये कहां कहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया, देखो, डिफरेंस बिटवीन इनवर्स प्राइस एंड कॉस्ट यानी प्रॉफिट एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे द लोडिंग ऑन द गुड्स कंसाइंड यानी गुड्स कंसाइंड है उस पर हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पर रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये बात? तो इस तरह से मैंने एक आज नया कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि when goods is sent on invoice price to consignee। होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी। एक बार वापस क्लास को देख लेना, नहीं समझ में आई तो एक बार वापस क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, और पढ़ते रहे, सीखते रहे। जय हिंद। यस।